स्टूडेंट्स, आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि हमारी पसंद और हमारी नापसंद हमें इंग्लिश में हमें कैसे बतानी है। ये एक सेंटेंस ऐसे है जो हम लोग बहुत बार बोलते रहते हैं कि मुझे ये पसंद है, मुझे वो पसंद है, मुझे ये नहीं पसंद है, मुझे वो नहीं पसंद है। तो आज की वीडियो में मैं आपको इंग्लिश में वही सिखाने जा रहा हूँ कि कैसे हम लोग इंग्लिश में बताएंगे कि मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या पसंद नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत बार बोला जाता सेंटेंस है और कहीं पर भी तुम जाते हो वहां पर तुम्हें पूछा जाएगा कि व्हाट डू यू लाइक, तुम्हें क्या पसंद है, और उसका जवाब तुम इंग्लिश में देते हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो आज के इंग्लिश के वीडियो में हम लोग ये सीखेंगे कि मुझे क्या पसंद है और मुझे क्या पसंद नहीं है, उसको मुझे इंग्लिश में कैसे बोलना है। तो यहाँ पर मेरे पास कुछ सेंटेंस है, मैं चाहता हूँ कि आप ये सेंटेंस सीखिए और ये बोलने का प्रयत्न कीजिए। जहां कहीं पर भी पूछा जाता है कि आपको क्या पसंद है, व्हाट डू यू लाइक, तो तुम ये जो सेंटेंस है वो इंग्लिश में बोलने का प्रयत्न कीजिए, आपका इंग्लिश बहुत अच्छे से इंप्रूव होगा। तो ये जो सेंटेंसेस है वो आपकी स्क्रीन पे है, आप यहाँ पर देखिए और सीखिए। तो आपकी स्क्रीन पर है ऐसे कुछ वाक्य जो बताते हैं कि क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। और सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि क्या नहीं पसंद है। दो तरीके से हम लोग बोल सकते हैं, या तो उसको नेगेटिव बना के डोंट लाइक ऐसे भी बोल सकते हैं, या तो पॉजिटिव में जो ऑपोजिट वर्ड है लाइक का वो है डिसलाइक। लाइक डिसलाइक, पसंद है नहीं पसंद है। ठीक है, तो वैसे प्रकार के सेंटेंस यहाँ पर है। सबसे पहले आई डोंट लाइक फिश, फिश की जगह पर तुम और कुछ भी रख सकते हो और वहां पर तुम सेंटेंस कैसे बनाओगे, डोंट लाइक। आई लाइक नॉट ऐसा नहीं बोलते, आई डोंट लाइक फिश। ओके, आई डोंट लाइक टू पिक अप After my kids, okay? मुझे मेरे बच्चों को मेरे बच्चों के बाद किसी को पिकअप करना अच्छा नहीं लगता है। I don't enjoy eating spicy food. मुझे spicy food मतलब मसालेदार खाना खाना पसंद नहीं है। I don't enjoy talking to my boss. मुझे मेरे बॉस के साथ बातचीत करना नहीं अच्छा लगता है। I dislike this song. Okay, अभी don't like की जगह पर dislike भी use कर सकते। I dislike this song. I dislike, और वो इतना अच्छा नहीं लगता। अच्छा वाला कौन सा है, आई डोंट लाइक। ओके, आई लाइक, आई डोंट लाइक। आई हेट बग्स, बग्स यानी जो कीड़े आते हैं वो, हेट मतलब मुझे बहुत घृणा आती है, वो बहुत गंदा लगता है। आई हेट क्राइंग बेबीज, मुझे बेबी जो रोते हैं वो भी पसंद नहीं है। ओके, तो तुम डोंट लाइक की जगह पर हेट भी लिख सकते हो, आई हेट। ओके, दे गिव मी हेडेक, वो मुझे सर दर्द देते हैं। माई लिस्ट फेवरेट यानी मेरा सबसे कम पसंदीदा फूड इज स्पिनच। ओके, तो तुम्हें अच्छा नहीं लगता है तो तुम ऐसा भी बोल सकते हो थोड़े अच्छे फॉर्मेट में कि मेरा सबसे कम पसंदीदा खाना स्पिनच। स्पिनच यानी पालक जिसको हम बोलते हैं वो है। माई लिस्ट फेवरेट सीजन इज विंटर, मुझे पसंद नहीं है। उसकी जगह पर तुम ऐसा भी बोल सकते हो कि माई लिस्ट फेवरेट, My favorite मुझे बहुत पसंद। My least favorite यानी सभी पसंदीदा में सबसे last, यानी वो तुम्हारा already dislike हो गया। Okay? तो ये प्रकार के sentence है, एक तो don't enjoy, don't like, dislike, hate, least favorite। Okay? ये words जो बताते हैं कि वो तुम्हें पसंद नहीं है। तो ये वर्ड्स याद रखेंगे और सेंटेंस बनाने का प्रयत्न करेंगे। और उसके बाद है ऐसे सेंटेंस जहां पर हम लोग पसंद के बारे में बताते हैं कि क्या पसंद है। तो वहां पर तुम बोल सकते हो कि आई लाइक पिज्जा, मुझे पिज्जा पसंद है। आई लाइक टू रीड बुक बाय डॉक्टर स्यूस, स्यूस इज वो ऑथर है। ओके, तो एक वर्ड है जो है लाइक, पसंद बताने के लिए तुम एक वर्ड इस्तेमाल कर सकते हो, वर्ब लाइक। दूसरा जो है एंजॉय, पीटर एंजॉयज रनिंग इन द स्नो, एंजॉयज लिखा है क्योंकि वहां पर थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो पीटर एंजॉयज रनिंग इन द स्नो, बर्फ में उनको खेलना अच्छा लगता है। आई एंजॉय दिस प्लेस एंड आई एंजॉय दिस पीस एंड क्वाइट, पीस मतलब शांति, शांतता है जो मुझे अच्छी लगती, अच्छी लगना यहाँ पर इसके लिए वर्ड कौन सा इस्तेमाल किया, एंजॉय। ओके, और तीसरा जो वर्ड है हम बोल सकते हैं वो है आई लव, लव ऑपोजिट में हेट है तो यहाँ पर लव, लव ईटिंग सुशी, सुशी एक टाइप का फूड है, इट इज सो डिलीशियस, वो बहुत ही अच्छा होता है। ओके, तो पसंद के लिए तीसरा एक वर्ड इस्तेमाल कर सकते हो वो है लव। दूसरा है आई लव लर्निंग न्यू थिंग्स, मुझे नई चीजें सीखना बहुत पसंद है। ओके, देन बॉब रियली लव्स द न्यू मॉर्निंग प्रोग्राम ऑन एनबीसी, एनबीसी वो एक चैनल का नाम है जहां पर ये प्रोग्राम आता है, तो दूसरा एक वर्ड है वह लव। फिर उसके बाद आई रियली टेकिंग लॉन्ग वॉक्स, आई रियली लाइक टेकिंग वॉक, वॉक इन ऑन द बीच, मतलब यहाँ पर एक ही वर्ड है लाइक। ओके,
और दूसरा एक नया वर्ड है आई अडोर मतलब मारिया। आई अडोर मारिया मतलब मुझे मारिया पसंद है। शी इज सच अ नाइस गर्ल। तो एक नया वर्ड हमने यहाँ पर सिखाया वो है अडोर। और जो लास्ट वर्ड है वो है माई फेवरेट। जैसे कि हम लोग बोलते हैं डिसलाइक में हम लोग क्या बोलते हैं लिस्ट फेवरेट, और यहाँ पर हमें बोलना होगा फेवरेट, यानी तुम्हारी पसंद बताने के लिए ये अलग अलग वर्ड इस्तेमाल कर सकते हो। तो एक है लाइक, दूसरा एंजॉय, तीसरा लव एंड चौथा है फेवरेट, और पांचवा है अडोर। अडोर यानी प्रशंसा करना, मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, तो ये वर्ड्स के साथ तुम तुम्हारी पसंद और तुम्हारी नापसंद बता सकते हो और तुम्हारे सेंटेंस बहुत ही अच्छे बनेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।